I think dance in a dance is one stage that actually is the stage for the common man. I'm more nervous than the contestants, and that is the truth. बन चुका है एक बैटल फील्ड। डांस रंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। So as you can clearly see, उसके नवाब और वेस्ट के सिंगर्स एक दूसरे से टकराएंगे और जहां 120 कैमरास करेंगे हमारे डांसर्स लार्जर देन लाइफ एलईडी सैटेलाइट स्टेज पे होगी धमाकेदार एंट्री। मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। तो जहां जंग छिड़ी है देश के हर कोने से तराशे गए हीरो के बीच, ऐसे में एक नेशनल डांस चैंपियन चुनने से मुश्किल कोई काम हो ही नहीं सकता। गुजरात से मणिपुर जहां सब जगह है इनके फैंस, हमारे सुप्रीमली टैलेंटेड जजेस। So good to see you here, boss. You know, इस स्टेज पर आपको पाकरना हर डांसर जी ने इतना इंस्पायर्ड है, आपका ड्रीम था आपको यहाँ देखना। लेकिन आपको क्या लगता है? आप इस मंच पे क्या करेंगे? यार, firstly, a great opportunity कि KID, which is the top of all the dancer and shows, has offered this and offered me to be a judge, and I'm coming after 3 years, so बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस एज मच एज पॉसिबल एंड आई एम गोइंग टू सी टैलेंट एंड यूज देम फॉर माय फिल्म। ओह ग्रेट, वेरी नाइस, दैट्स द प्लान। होपफुली सब अच्छी तरह से मैं गुड में जाएगा और मुझे कुछ मिल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लेकिन किस तरीके के कंटेस्टेंट हो रहे हैं? जो वर्सेटाइल हो और मुझे एक स्टार चाहिए, क्योंकि टैलेंट है बट भीड़ में जब साथ दिखता है वो मुझे चाहिए। मतलब जीतने वाला ना सिर्फ नेशनल डांस चैंपियन बनेगा बल्कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर भी तय करेगा। तो कंटेस्टेंट्स गियर अप, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है जजेस, थैंक यू बॉस, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट जज को बुलाने की। The youth icon, the ultimate swag star, Rasta! Thank you, Rasta! Shukriya, everyone. Shukriya, shukriya. Woo! Thank you, man. I love you all too, man. It's like a party, uncle. वापस आता सबसे ज्यादा खुशी शायद मुझे है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि पहले से सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी जब अपने सपनों के पीछे भागा, पर अब 16 अलग जिम्मेदारियां और 16 अलग सपने, और उस 16 सपनों में भी कोई ग्रुप है तो बहुत ज्यादा सपने, कोई रूममेट है तो दो का सपना, कोई एक है तो उसके पीछे उसके पूरे परिवार का भी सपना, तो सपने बहुत जुड़े हुए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। कैसे कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हो? देखो यार, मेरे को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ये सीखा मैंने कि जिंदगी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा कि आपको इस दिशा में जाना है तो वहाँ फोकस नहीं आपको करना, क्योंकि आप वहाँ तक जा सकते हो किसी भी तरीके से। मुझे डांस से बहुत प्यार था पर मेरे साथ जितना टैलेंट था मैं उनको देखता था जब परफॉर्म करते हुए, मुझे पता लगता था कि मैं
उतना अच्छा डांसर नहीं, मैं म्यूजिक में और ज़्यादा अच्छा, पर ये मंच डांसिंग या डांस और ये डांस का सफर मेरे लिए वो जरिया बना जिससे मैं अपने म्यूजिक को आगे ले जा पाऊँ। और अब वापस डांसिंग या डांस रहने की वजह से मेरी दोनों कश्तियाँ मेरे पास है, इससे ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ। On that note, I request you to take your seat and the balloon. Thank you, thank everybody, you. And thank you, Ramsey Nirans, for the opportunity. Woo! Thank you so much. Ab, ab waqt aa gaya hai DID ke aise naye sadasya ko manch pe bulane ka, jiske aane se set ke chaaron ronak padh jayegi. Are unki jo India ki sabse badi diva hai, jinki acting blockbuster hai aur dance to subhanallah, jinke har moves trend karte hain trend. लेकिन कहाँ है वो, कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन है वो जिसने तुम्हारा मुर्गी मुझे नहीं देखा? I think Dance India Dance is one stage that actually is a stage for the common man. It has always been a stage that has supported talent of the mango people, of the young janta. And it has reached the hearts across India, across the globe. This is that platform that I think I couldn't say no to, and what better platform to make a TV debut than Dance India Dance. Wow. एक्चुअली लोग मुझसे भी पूछते थे कि तू रियलिटी शो नहीं करता, तू होस्ट नहीं करता, और मैं उनसे कहता था कि मुझे बस करीना कहने देता है। ओह गॉड। वेल फ्लड ऑफ अडलिंग्स रनिंग एक्चुअली टुडे एंड लाइक आई वाज यस्टरडे आल्सो यस एंड एवरी एपिसोड आल्सो लोग से ना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐसे चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ के आता हूँ। And with that, तालियों की चाहिए वो करीना कपूर खान। ऐसे तालियों की चाहिए वो कॉल कैंसिल कर दी। Thank you.
वेल कल ही शुरू हुआ है तो बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी मेकिंग माय टीवी डेब्यू. आई मीन फिल्मों में तो काफ़ी साल से आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. तो रेडियो में भी मैंने शो किया था. अभी रेडियो के बाद जब डांस इंडिया डांस का ऑफर आया तो देन डेफिनेटली आई थॉट दैट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड डांस इंडिया डांस एक ऐसा मंच है जो आई फील आई एम वेरी ऑनर टू बी पार्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग शो which has been the original dance show for the last 10 years. So I think it's a very big honor for me to be as a judge on this show. Kareena Karishma ne to bahut jald apne career mein television par haath aazma liya tha as a judge. What took you so long to come here? Well, jaise maine kaha ki show bhi jo offer hui and the kind of show that I was looking at also had to be one of the biggest shows and I think Dance India Dance is one of the biggest shows in the country. And I couldn't say no. She was always like, you should do what you think is right and you should do and have fun with it. That is the most important. Well, I think they're very excited and jaise maine kaha that you know, I mean, I'm looking forward to the contestants because itna alag alag dance forms ko dekhne milega jo kabhi, you know, hum log hamesha TV pe dekh rahe hain, but mujhe live dekhne milega, that is the excitement. Okay, Saif ka kya reaction tha jab aapne bataya ki aap TV kar rahi hain, DID kar rahi hain? Unka sab stress hai ki 12-14 ghante shoot karne. Yeah, I know your hand was not at the right place. Well, that's fine. Well, it's going to be a weekly, so it's fine. It's once a week and. जैसे मैंने कहा दैट यू नो हार्डवर्क और मेहनत के बिना शायद सारे जितने भी जजेस हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ पर मेरे लिए ही ये स्टेज नया नहीं है. मैं यहीं से हूँ और पर इसका पैटर्न बदल चुका है. 360 डिग्री स्टेज अब सिर्फ आपको सामने फेस नहीं करना, आप कहीं भी देख के परफॉर्म कर सकते हैं. आपकी एक एक गलती दिखेगी क्योंकि 120 कैमराज में आप क्या छुपाओगे. और ये सब के बीच में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठ सकूँ और उस मुझे अपनी भी जर्नी का पता लगता है कि मैंने कुछ किया है. सो इट्स प्रॉब्ली आई थिंक मेरे एज के या मेरे से यंग जो हैं जो मेरे भाई लोग हैं दे गेट मोटिवेटेड बाय दैट. वो सब तो होता रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके क्या कुछ डिफरेंस है आपके आप जब डांसर थे तब से लेके अभी तक में क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं अब यू नो डांसिंग. देखो डिफरेंस तो यही है कि उसी टाइम पे ही टैलेंट इतना ऊपर जा रहा था डांसिंग में. आई वाज ऑलवेज अ गुड टीचर. मैं टीचर अच्छा था पर उस तरीके का परफॉर्मर नहीं था जिस हिसाब से टैलेंट आता है डीएनए में. तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए सेफ जोन नहीं है क्योंकि अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगा तो बच्चे भी 10-10 साल की, वो जो बच्ची 10 साल की करके गई थी अभी आपके सामने परफॉर्म, उसको शायद खुद भी नहीं पता उसने क्या क्या किया है. पर हम उसका 10% भी ट्राई नहीं कर सकते. द ओनली एक्सपीरियंस वी हैव इज द टाइम एंड द परफॉर्मेंसेज वी हैव डन ऑन स्टेज. तो हमको पता लगता है कि स्पार्क क्या है, वो जुनून क्या है. समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस राइट. सी हमारे यहाँ पे तीन मंत्रा बना रखे हैं कि कोरियोग्राफी एकदम मास्टर होनी चाहिए, मूव्स किलर होने चाहिए और एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर होना चाहिए. जब ये तीनों का पैकेज बनता है तो पिक्चरें भी हिट हो जाती हैं. ये तो बच्चे हैं. कंपटीशन कितना टफ है यू नो सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में और साथ ही में जजेस के बीच की जो जुगलबंदी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ट्यूनिंग बहुत अच्छी है जजेस के बीच में और बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हर बंदा अलग अलग एरिया से आता है. कोई एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कोई डायरेक्टर हैं जो अब कोरियोग्राफर थे जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, मैं एक डांसर था जो म्यूजिशियन बन गया. तो हम सब की टिप्पणियाँ अलग होंगी क्योंकि हम सब का नज़रिया अलग है. उसके अलावा जो बच्चे हैं, अब एक की लड़ाई एक ग्रुप से भी है, एक की लड़ाई डुएट से भी है. सो सब फेयर है और हम पूरे ग्रुप को भी एक एंटिटी मानते हैं और एक इंसान को भी एक एंटिटी मानते हैं. सो वो जो बैटल है वो देखने में मज़ा आएगा कि एक इंसान क्या उतना इफेक्ट ला सकता है उस अपने एक्ट में जो पूरा एक ग्रुप लाता है, क्योंकि एक ग्रुप एक दूसरे को फ्लिप कर सकता है और एक बंदे को सिर्फ अपनी जंग खुद लगे. ओके लास्टली जाते जाते एक रैप हो जाए आज के इस
अरे बिल्कुल, अरे निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित करे देख। शुक्रिया। Bosco and Raftar also. I think हम लोग तीनों की USP बहुत ही अलग है, जैसे Bosco is going to be focusing more on the technicalities of the dance. Raftar is also a master of dance who knows so many different forms. So he'll be giving his take on that. Whereas I think मेरा focus you know performance पे expression पे होने वाला है, because जैसे मैंने कहा कि my USP has always been about the energy, about the expression. It's dance is not just about you know कि चलो moves कर लिए, but face का expression भी perform करना वो भी बहुत important है. And whenever you watch someone dance, हम उनके पैरों में नहीं उनके face पे देखते हैं, तो वो dance face पे नजर आना चाहिए, वो ही मेरा बहुत जरूरी होता है. हाय रफ्तार, नमस्ते, किसी जर्नलिस्ट पूजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप म्यूजिक और डांस से जुड़े हुए हैं, तो इस बार आप कंटेस्टेंट में क्या देखेंगे, किस तरह से उनको आप सिलेक्ट करना चाहोगे, खासकर आपके साथ जब करीना जैसी हो? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि मैं डांस और म्यूजिक दोनों से रिलेटेड हूँ, तो टेम्पो बीपीएम परफॉर्मेंस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ चल रही है, क्योंकि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैं शोज करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास परफॉर्म करता हूँ जाके जिन्होंने मुझको पहले कभी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो हर टाइम एक नया ऑडियंस, हर टाइम एक नया क्राउड, हर टाइम उस क्राउड के हिसाब से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यही झलक मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि आपको स्टेज का डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक वो जुनून होनी चाहिए कि ये एक शुरुआत है, ये एक बड़ा मंच है जो आपको और ऊपर लेके जाएगा, तो उसके साथ आप क्या करते हो ये आपके हाथ में है, और वो आपके रवैये से हमको पता लग जाता है कि आपकी दिशा किस ओर है, तो बस उसी चीज़ का इंतजार है। शुक्रिया। हाय करीना, पूजा सामंत है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल इवन बॉलीवुड डांसेस में दे आर मोर लाइक एक्रोबेटिक, डू यू थिंक कि देयर आर लेस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मोर ऑफ एक्रोबेटिक, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेल, हमारे शो पे ऐसे नहीं होने वाला है, बिकॉज वी आर टैपिंग, जैसे मैंने कहा कि कल हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस पहली बार देखा, ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई है, वी हैव टैप्ड आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस, कल इनफैक्ट एक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस हुई थी विच गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द जजेस, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स, सो इट्स नॉट जस्ट एक्रोबैटिक्स, ऑफ कोर्स वो एक डांस का एक फॉर्म होता है, एंड लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, but I think dance India dance is that platform which encourages not just one form, whether it's contemporary, whether it's animation, whether it's robotics, whether it's classical, we're going to have it all. Hello, Bosco. My question, this is going to be a battle of champions, how difficult is it going to be to judge it? It is going to be very difficult, because we've got supreme talent and everybody comes with a style, everybody comes with a body language, everybody comes with an attitude. So it is going to be very difficult, but I think ek cheez hum dekhenge ki usko ek starman quality, showman quality jo rehne wali, I'm going to check that out, and definitely somebody who strikes will catch my eye. I think in both of the days it's going to be difficult actually. Nine. Minimum of hopes? Oh, definitely. Definitely will be a part of my film. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Raftar, so I wanted to ask, you know, My bad. Okay, so from being a contestant in DID Doubles to here being a judge, you know, how will you describe this journey according to you? See, it's a big move in my life, in my career. Walking towards a path that has just begun, because I always envisioned myself as a dancer.
But music was my first love. And dance helped me make music because I would save money, go to the studio and everything. So I owe everything to dance, especially this stage, because when I used to come on the Dance City Dance double stage 8 years ago, I used to rap back then as well. Like when we had our first group intro, that entire song was a rap song that was composed by me and this guy called Dinesh. So he had made the music, I rapped. So the journey has been, you know, it's parallel. We have been walking together, and ever since then, it has helped me perform on stage as well. Like when I go on stage, it's not just me rapping or singing my songs. I can perform for them, I can dance. And that comes from the dancing background that I have. And this fear of not being afraid of the camera, like I'm not afraid of the camera now because I have faced so many cameras, so many lights on this stage that it has made me the man I am today. Hello. Guys, we're going to take two more questions. एक कनेक्शन होता है किसी के बीच कंटेस्टेंट से जजेस का कनेक्शन जजेस का कंटेस्टेंट से और उस कनेक्शन को मुझे मेंटेन करना होता है यू नो जो भावनाएं हैं जो उनके इमोशंस हैं वो करेक्ट तरीके से पहुँचानी होती है जजेस तक ताकि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं वो करेक्ट तरीके से पहुँचे उसके बीच उनके इमोशंस हैं उनके बैकग्राउंड क्या कहाँ से आए हैं दैट्स माय जॉब I think anchor is also very important in these kind of shows. Yeah. जब आप स्टेज पे डांस देखेंगे फर्स्ट में एज ए जज तो सब आपको जिम्नास्टिक करते हुए नजर आएंगे जंप करते हुए नजर आएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आपने जैसा कि बोला कि आप पुलिस एक्सप्रेशन को ज्यादा महत्व देते हैं तो आप किस तरह से जज करेंगे अभी जजिंग का अभी राउंड जो है अभी अगले हफ्ते से चालू होने वाला है और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद नर्वस हूँ क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स इतना सारा टैलेंट it's going to be quite tough to actually give them points to judge them because sabki apni apni gurvi hai so you know this journey also is going to be jaise contestants ka journey hone wala hai वैसे मेरा भी जर्नी होने वाला है उनके साथ साथ मैं कंटेस्टेंट्स के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ कि आई एम न्यू टू टेलीविजन आई एम न्यू टू डांस इंडिया डांस तो फॉर मी आई एम एज नर्वस एज देम तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ऑन देयर साइड सो आई डोंट नो उनके हाथ पकड़ कर वो मेरे हाथ पकड़ कर हम आगे डांस इंडिया डांस में चलें माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मुझे लगता है जो ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस के साथ कोई स्टोरी बोल पाएगा I think वो जर्नी हम लोग कंप्लीट जर्नी मानेंगे बिकॉज एक स्टोरी में सब होता है डांस होता है एक्सप्रेशन होता है बॉडी लैंग्वेज होता है तो अगर वो कंप्लीट स्टोरी कह पाएगा आई थिंक दैट्स व्हाट विल फुलफिल आवर जजमेंट माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम इंडिया गाने जाता है अपने कल्चर से कल्चर से लिया है सामने मैम सामने अभी तक तो मेरा फेवरेट इट्स वेरी अर्ली टू आस्क मैंने अपने चारों जोन की परफॉर्मेंस देखे अलग अलग कंटेस्टेंट्स के जैसे मैंने कहा कि ऑफकोर्स एज अ पर्सनल चॉइस मुझे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों अच्छे लगते हैं बट क्लासिकल डांस में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है कि जो टेक्निकलिटी भी है उनकी अदाएँ भी हैं बहुत अलग है किसी और डांस फॉर्म से माई पर्सनल टेस्ट इज़ मोर टुवर्ड्स क्लासिकल डांस बट ऑफकोर्स जज
होने के नाते वन कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंसेस एंड टू कीप अ वेरी वेरी ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट आल्सो ऑन दैट नोट गाइस आई रिक्वेस्ट द फोटोग्राफर फ्रेंड्स टू